गई थी जावा के उसमें बदलाव, है ना, समझ रहे बात को आप लोग की नहीं, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। अब उसके आगे का जो अपन जा रहे हैं पढ़ने, ये अंतिम चरण का प्रक्रिया चल रही है अध्ययन अध्यापन कार का, इसलिए आप विशेष ध्यान दें और आप लोगों को टेस्ट प्रारंभ होने वाला है। रहा सवाल ये कि आज अपन जो है पढ़ाने जा रहे हैं क्या आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो आधुनिक विश्व में चरवाहे से तात्पर्य ये है कि इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अब अपन लोग आज जो है घुमंतु चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसलिए घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, है ना, समझ रहे, जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, है ना, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियाँ और रेवड़ या झुंड होता है तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं, है ना। इसलिए क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं, समझ रहे हैं, उनके आय का स्रोत क्या है, आमदनी का साधन क्या है और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है, इसलिए जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की हो, है ना, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, पढ़ने लिखने कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो, समझ रहे हैं, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इसलिए इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका, क्या भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का, समझ रहे हैं, चरवाही का महत्व है, किनका महत्व है, चरवाही का महत्व है, इसलिए समझ रहे हैं ना, भारत और अफ्रीका में समाजों में चरवाहे का कितना महत्व है, इस यह आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे, समझ रहे हैं, पहले अपन अपने भारत और फिर उसके बाद में अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि घुमंकुत, है ना, तो यानी घूमा फिरी करने वाले, घूमने वाले, तो घुमंकुत चरवाहे और उनकी आवाजाही, जैसे पहाड़ों में, है ना, तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर कबरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरगाहों की तलाश में भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वो यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। फिर क्या था, जड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिंग की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। फिर क्या होता था, जड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी, समझ रहे, सूखी झाड़ियाँ ही जानवरों के लिए क्या होता था, चारे बन जाती थी और
अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरगाहों के लिए। इस सफर में कोई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे, समझ रहे, कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। जब कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे तो वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर, समझ रहे, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास में मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था, समझ रहे हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को क्या कहते थे, गद्दी कहते थे, ठीक है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे और अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में क्या होता स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते थे और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। फिर क्या, वापसी में वे लाहौल, समझ रहे हैं, जैसे ये बना हुआ है, आपको अध्ययन कराया अभी जस्ट 2 मिनट पहले, जब ये झोपड़ी बनी है कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है, है ना, अंग्रेजों की टोपी जैसे, ठीक है। ये जंगल में दिख रही है, ये व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो वापसी में वे, समझ रहे हैं, वापसी में ये चित्र देख रहे हैं आप, भेड़ बकरियाँ देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, चरवाहों को देख रहे हैं, घुमंतुक जिन्हें कहते हैं, अभी अध्ययन कराया। और वापसी में वो लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते हुए सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जड़ों वाले चरगाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मी के चरगाहों की तरफ रवाना हो जाते थे, ठीक है, या रवाना हो जाते। फिर क्या, आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलते हैं, समझ रहे हैं, कहाँ चलते हैं, पूर्व की तरफ। तो गढ़वाल और कुमाऊँ के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर, समझ रहे, क्या, सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे, समझ रहे। तो जब बुग्याल की तरफ चले जाते थे इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यही बस गए, समझ रहे हैं। बाद में क्या हुआ, वो उत्तर प्रदेश से जो आए थे यहीं पर बस गए। फिर सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरगाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था।
यहाँ जैसे ये दिखाई दे रहे हैं है ना, तो फिर यहाँ के भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरगाहों को बेहतर इस्तेमाल करते थे। जब एक चरगाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरगाह की तरफ चले जाते थे। इसी आवाजाही के चरगाह चरागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी की लौट आती थी। समझ रहे हैं, जिंदगी की लौट आती थी। फिर क्या था, जैसा अब देख रहे हैं, अब अपन जा रहे हैं कहाँ, पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में, पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में। तो जैसा कि चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, समझ रहे हैं, जो चरवाहे थे वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, वे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। हैं, धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है, समझ रहे हैं, जो धनगर है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4.67.00 थी। उनमें से ज़्यादातर, समझ रहे हैं, गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे, पर धनगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यहाँ पट्टी धनगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरगाह बन जाती थी, है ना, एक विशाल चरगाह बन जाती थी। फिर क्या था, अक्टूबर के आसपास धनगर बंजारे, समझ रहे बच्चों आप लोग, अक्टूबर के आसपास धनगर बंजारे का बंजारे की कटाई करते थे, है ना, कटाई करते थे और चरगाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे, है ना, समझ रहे हैं, पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। इसलिए करीब महीने भर पैदल चलने के बाद, समझ रहे हैं, करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी, लेकिन कोंकण किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। क्या करते थे, इन किसानों का दिल खोलकर स्वागत करते थे, समझ रहे बच्चों, क्या होता था, दिल खोलकर स्वागत करते थे। फिर जिस समय धनगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। काय की फसल के लिए उपजाऊ दोबारा बनाना होता था, रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊंटे जंगलों में चरवाहे हैं, है ना, और इसी प्रकार से चित्र के आधार से आप समझने का प्रयास करें। फिर क्या है, जंगलों में मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई और डुट्ठों को खाते थे। क्या करते थे, रुट्टों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकण किसान धनगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धनगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। कहाँ चले जाते थे, सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़े गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, समझ रहे, जो भेड़ियाँ होती थी ना वो गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे, इसलिए इनमें मवेशियाँ भेड़ बकरी और गड़रियों का ही बसेरा रहता था, समझ रहे,
किनका किनका? बकरियों और गड़रियों का ही बसेरा रहता था। फिर का यहाँ गोलल्ला, समझ रहे हैं, यहाँ गोलल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, समझ रहे हैं बच्चों, ये जो लोग हैं इस समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा, कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे मोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों को ही वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। आपने देखा होगा ना, भैंस गीले में लेटी रहती, कीचड़ों में, है ना, तालाबों में, नदियों में, इसलिए क्या, भैंस को भरिए, अच्छा लगता था रास आना, मतलब अच्छा लगता था। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था, समझ रहे, सूखे पठारी स्थानों पर ले जाना जरूरी था। और फिर चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे, समझ रहे हैं, बंजारे जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते थे, समझ रहे बच्चों। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में रहते, चरने वाला स्थान जो है कौन सा है उनकी खोज में रहते थे। इसलिए राजस्थान के रेगिस्तानियों में है ना राई का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, समझ रहे हैं, होती भी थी तो बहुत कम बारिश होती थी, इसलिए खेती की उपजाऊ हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बच्चों ध्यान दे रहे कि नहीं, काय का काम करते थे, चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राई का अपने गांव में ही रहते थे। ये सब जो है राजस्थान इलाकों के नाम हैं, राजस्थान के आसपास, ठीक है, तो गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। क्या होता था, इस दौरान उनको वहीं चारा मिल जाता था। पर ये अक्टूबर आते आते ये चरगाह सूखने लगते थे, है ना, तो नतीजतन ये लोग नए चरगाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे, है ना, दूसरे इलाकों की तरफ क्या करते थे, निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे, समझ रहे हैं। राई गाँव का एक तबका ऊँट पालता था, कौन ऊँट पालता था, यह आप लोगों को प्रश्न हो सकता है। राई गाँव का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा सौंदर्य की जिंदगी कई सॉरी चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस जैसा ये चित्र में देखिए आप दर्शाया गया है, गाड़ी है और ये चरवाहे खड़े हुए हैं, गड़रिये हैं, ऊँट हैं, इसी प्रकार से क्या है, उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि
उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चरगाह मिल सकते हैं। उन्हें ना केवल एक अकेले से है ना दूसरे उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे। सफ़र के दौरान गांव में जब चलते समय किसानों से भी उनको क्या करना पड़ता था, अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कब किसकी कहाँ कैसी आवश्यकता पड़ जाती है, सबसे अच्छे संबंध व्यवहार सद्भावनापूर्वक बना के रखना चाहिए, है ना। इसलिए सबका आदर सत्कार करना चाहिए, कौन किस समय कहाँ काम आ जाए। जैसे चरवाहों से देखो अपन को ये सीख मिलती है कि वो किसानों से भी क्या करते थे, अच्छे संबंध बना कर रखते थे, है ना। और फिर क्या है, उपजाऊ बनाते अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला, चरवाहों का जीवन अब अंग्रेजों के ज़माने में किस तरीके बदला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब ये राजस्थानी लोग हैं, है ना, जयपुर जोधपुर उदयपुर वाले लोग हैं, तो ये चरवाहे ऊँट पाले हुए हैं, ज़्यादा करके ऊँट अपन को वहीं देखने मिलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये देख रहे हैं आप वहाँ के घर बने हुए हैं, दरवाजे लगे हैं पुरानी पद्धति के, ऊँट पाला हुआ है ना। और ये सब गांव के लोग बैठे हैं, सबके ऊपर बढ़िया राजस्थानी पगड़ी है, देख रहे हैं मारू राय काओ की वंश वाली बताने वाला। अच्छा ये देखो भेड़िए चरा रहे हैं बच्चों, है ना, ये भी उनके सर पर बाकायदा कपड़ा लगा हुआ है। जैसे चरगाहों की तलाश में निकले मलधारी चरवाहे उनके गांव कच्छ की रन की स्थिति है, ये जैसे चित्र में दर्शाया गया है ना। फिर अब अपन आते हैं औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए और उनके चरगाह सिस्टम गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशों और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ, समझ रहे हैं। अब अपन देखते हैं यह सब कैसे और क्यों हुआ। जैसे पहली बात, अंग्रेज सरकार चरगाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जो चरने वाली जगह थी तो अंग्रेज सरकार क्या करना चाहती थी, वहाँ खेती में तब्दील कर देना चाहती थी, खेती में बदल देना चाहती थी, लेकिन ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, ठीक है। तो खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट कपास गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से ज़रा ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेजी अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था, उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही ये उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, समझ रहे हैं, ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, है ना। तो उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे, समझ रहे हैं क्या हुआ, नियम बनाए जाने लगे। फिर क्या था, जब नियम बनाए जाने लगे तो इन कायदे कानून के जरिए सरकार और खेती और ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई
और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर क्या किया, बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरगाहों की थी। किनकी थी? चरगाहों की जमीन थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरगाह सिमटने लगे और चरगाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगीं। इसी प्रकार से जो पहले क्रिया प्रतिक्रिया हुई, अब दूसरी बात तो जो है हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जैसे दूसरी बात है तो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। फिर इन कानूनों की आड़ में सरकार ने, समझ रहे हैं, इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। समझ रहे हैं बात को आप, क्या कर दिया बच्चों, ध्यान दे रहे हो आप, घोषित कर दिया है ना। तो फिर क्या था, जब इनको क्या किया कि देखिए आपको पुनः अध्ययन कराते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या है? हाँ सुनिए, संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। क्या हुआ? आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। उपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। समझ रहे हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। इसलिए वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे क्या है, बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको अनुमति लेना पड़ती थी कि जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। फिर क्या था, जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किस जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, चरवाहे अब किसी जंगल में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते थे। भले ही वह चारा कितना ही हो, घास कितनी भी हो भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो, इसलिए निकलता पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे, वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। समय सीमा का उल्लंघन करने पर क्या करते थे, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। समझ रहे बच्चों? अब तीसरी बात यह है कि अंग्रेज अफसर धूमकंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरवाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, गांव की जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को
शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। धूम तुआओं को अपराधी माना जाता था, समझ रहे हैं? जो पूर्व में अपन ने अध्ययन करा धूमंतकों को, तो धूम यहाँ लिखा हुआ धूमंतुआओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। कब? 1871 में सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्या किया? पारित किया। फिर क्या था? इस कानून के तहत तस्करों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। फिर उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के, समझ रहे बच्चों, इस कानून इस कानून के, बच्चों ध्यान दे रहे कि नहीं आप लोग? इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिनियम गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम में पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात बताते हैं आपको, अब सुनिए ध्यान से, चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया, समझ रहे हैं? लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? हर संभव रहा है, क्या किया? रास्ता अपनाया, बनाया। लेकिन उन्होंने जमींदारों के पानी, नमक, खरीद फरोख की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों के चरगाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। फिर क्या था? देश के ज़्यादातर चरवाही इलाके में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था, समझ रहे हैं? मध्य से ही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। फिर 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। लेकिन ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। फिर क्या है? 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से, किनके माध्यम से? अपने करिंदों यानी करदाताओं के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। क्या हुआ? एक पास उनको जारी कर दिया गया। किसी भी चरवाहे में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज करा दिया जाता था, समझ रहे? अब आते हैं इन बदलावों में चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। ये जो बदलाव किए गए अंग्रेजों के द्वारा टैक्स से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं जो की गई, इसमें चरवाहों की ज़िंदगी में किस तरह प्रभावित हुआ, इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, समझ रहे हैं? इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरगाहों के लिए उपलब्ध इलाका सुकड़ने लगा। फिर क्या हुआ उसके बाद में? इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। क्यों? क्योंकि जब चरगाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चरगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। क्या था? फिर जब तादाद बढ़ने लगी तो इसका नतीजा यह हुआ कि चरगाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद
किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरगाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरगाहों की आवाजाही पर लगी बंदिश, समझ रहे हैं, लेकिन चरगाहों की लगी आओ बंदिश पर, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, है ना, चित्र में दर्शाया गया है, तो लगी बंदिश और चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फिर क्या था, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी, चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकेले की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, समझ रहे हैं।